नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम वाला में। मेरा नाम विकास शुक्ला है और फिर मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए जल्दी से सभी लोग लाइक और शेयर कर दें सेशन को, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रिय छात्र छात्राएं बहुत इंतजार कर रहे थे कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना रहता है ग्रुप टू और ग्रुप फोर का। तो ये एग्जाम क्यों? क्योंकि इसको कैलेंडर के अंतर्गत अभी लिस्ट में शामिल किया गया है जो टेंटेटिव डेट्स आई थी व्यापम की या एमपी ईएसबी की। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि यहां पर क्या रहने वाला है। इसके पहले मैं एक वीडियो और भी बना चुका हूं संपूर्ण जानकारी का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या फिर हम बात करें तो इसकी लिंक में भी आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या है। तो एमपीईएसबी जिसका नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग हो चुका है, चयन मंडल हो चुका है भोपाल, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि समूह दो और उप समूह चार यानी ग्रुप टू एंड सब ग्रुप टू फोर, जिसमें सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी, ठीक है, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की भर्ती यहां पर इसके अंतर्गत आई थी। अगर आपकी लालसा है, आपकी चाह है मध्य प्रदेश जनसंपर्क अधिकारी बनने की, सहायक संपरीक्षक और लेबर इंस्पेक्टर वगैरह, तो आपके लिए ये एग्जाम है बेहद काम का, जिसको कैलेंडर में शामिल किया गया है। और इसकी भर्तियां निरंतर हर एक दो साल में कंटिन्यू आती रहती हैं और फिर से दो साल बाद इसकी आपको, एक से डेढ़ या दो साल बाद ये आपको देखने को फिर से मिलने वाला है। तो ये देखिए, क्योंकि 2023 के अंतर्गत इसकी तिथि प्रारंभ हुई थी, ये 2023 के अंतर्गत एग्जाम पूरा कंडक्ट करवाया गया था, भर्ती परीक्षा ये 2022 की थी, ठीक है। इसकी जानकारी पूरी मैं आपको दे चुका हूँ। आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो है कट ऑफ से रिलेटेड। तो मैं आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो आप वो वाला वीडियो देखें, यहाँ पर मैं सीधे कट ऑफ की बात करूंगा। ये देखिए, ये कैलेंडर था और ये आप देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है समूह दो उप समूह चार सहायक संपरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा, ठीक है। चलिए, ये नवंबर 2024 का टेंटेटिव डेट्स है। अब मैं सीधे कट ऑफ पे बात करूंगा। तो ये कट ऑफ जारी किया गया था, यहाँ देख रहे होंगे आप ग्रुप टू सब ग्रुप फोर, ठीक है, ये 2020 के अंतर्गत का कट ऑफ है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि विभिन्न पदों के लिए किस प्रकार से कट ऑफ रहा है। सबसे पहले हम अगर देखें सहायक पोस्ट, जितनी भी जो सहायक के अंतर्गत, चाहे सहायक संपरीक्षक हो या सहायक जनसंपर्क अधिकारी हो, और ये उनके डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं, जैसे एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल, इसके अंतर्गत जो यूआर कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो एक्चुअल सीट इसमें 8 थी और 5 पर इन्होंने भर्तियां निकाल, मतलब अलॉट कर दी गई थी, 5 में से 5। और यहां पर जो कट ऑफ आप देख रहे हैं 164.78, अगर आप किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन यहां नहीं रखते हैं तो यहां पर कट ऑफ 200 मार्क्स में से 164.78 रहा था, मतलब आपको एक अच्छी और लगातार तैयारी की यहां पर आवश्यकता है। इसी प्रकार सेम पद के लिए यहां पर हम यूआर फीमेल देखें, ये ओपन था, मतलब आपके पास किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। फीमेल्स जो है, हमारी बहनें, उनके लिए 150.48 मार्क्स यहां पर कट ऑफ गया था आउट ऑफ 200, ठीक है। एससी कैटेगरी के भाई बहन है जो हमारे, जिनके लिए ओपन देखें तो हम 147, मतलब 147.62 गया था। वहीं पर अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो हमारे एससी की बहन है, उनके लिए 145.4 गया था ये, ठीक है। सेम एसटी के भाई बंधु हमारे जो कि ओपन के अंतर्गत हैं, यहाँ पे 131.92 गया था, जबकि हमारी एसटी की जो बहनें हैं इनके लिए 128.2 देखने को मिला। ओबीसी कैंडिडेट्स की भाई बहनों के लिए जो ओपन कैटेगरी में है, ठीक है, 158.21। वहीं पर अगर हम देखें ओबीसी फीमेल्स, 148.53 कट ऑफ गया था। तो ये कट ऑफ है जो कि आपके इसके अंतर्गत लगभग इसी प्रकार से हर बार के एग्जाम्स में रहता है और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंक्रीज भी होता जाता है, मतलब आपको भी एक जोरदार तैयारी की आवश्यकता है। अगर मैं आगे बात करूं तो उसी प्रकार से वही कोड है, देख लीजिए आप, वही कोड चल रहा है और ये सहायक भर्तियों के अंतर्गत है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, उन ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 160, क्योंकि यहां पर जानने के लोगों को बहुत लालसा थी कि ईडब्ल्यूएस का कितना जाता है, तो देखिए 160.4 मार्क्स गया है ओपन के अंतर्गत। अगर आप ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर और कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो ये सुनहरा अवसर है, इसको हाथ से ना जाने दें, ठीक है। अगर हम देखें इसमें
तो उसी भर्तियों के अंतर्गत ये सारे कट ऑफ्स आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक है। मेनली जो आपके जहां पर लोगों को दिक्कत हो रही थी बार बार कि EWS का कितना होता है, UR का कितना होता है, तो आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग क्लास के हिसाब से ये कट ऑफ यहाँ पर आपको मेंशन है। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट ही बहुत कम थी, अलॉटमेंट भी कई पोस्ट में नहीं हुआ था, तो यहाँ आपको उनका 0-0 दिख रहा है कट ऑफ। इसके बाद हम आगे देखें तो देखिए इसी प्रकार से जो भी अदर के अंतर्गत ये कैटेगरीज हैं उनमें ये कट ऑफ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ रहा था। कनिष्ठ सहायक के अंतर्गत अगर हम बात करें जो कि अगली पोस्ट इसके अंतर्गत यहाँ कोड नंबर 002 है, तो अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो SC कैंडिडेट ओपन के अंतर्गत 140 गया था, ठीक है। SC फीमेल है तो आपको 132 देखने को मिलेगा, ST कैंडिडेट हैं आप तो आपको 121.87 देखने को मिलेगा, ठीक है। ST में फीमेल कैंडिडेट हैं आप तो 117.69। तो कहीं ना कहीं ये जो कनिष्ठ सहायक के अंतर्गत निकली थी भर्तियां पूरा सेम कोड है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ओबीसी के जो भाई बंधु हैं इनके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो ओपन है वो 151, इसके अंतर्गत UR की उस समय शायद क्या हुआ था कि वैकेंसी नहीं थी, इसलिए आप UR जर्नल का नहीं देखेंगे कनिष्ठ सहायक के अंतर्गत, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 146.32, EWS के अंतर्गत अगर आप ओपनली देखें तो यहां पर जो है 155.818 था कट ऑफ, ठीक है। वही कनिष्ठ सहायक की जो कोड 02 है, ठीक है, SC का देखें हम तो यहाँ सीट्स नहीं होंगी ओपन इस कैटेगरी के अंतर्गत अगर देखें, तो इस प्रकार से कट ऑफ आपका रहा था। तो ये कनिष्ठ सहायक का हो गया, ठीक है। कनिष्ठ सहायक के अंतर्गत आप क्लास यहाँ पे ये क्लास लिखी है, तो अगर VS क्लास से हैं आप, OBC हैं, ओपन वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ था 123, ठीक है। अगर आप VS से EWS हैं ओपन 121, 121.06 रहा था यहाँ कट ऑफ। अगर आप EH क्लास के अंतर्गत हैं और OBC कैटेगरी है आपकी और ओपन है तो 117.54 यहाँ पर कट ऑफ था, ठीक है। अगर आप EH के अंतर्गत EWS हैं तो आपको ओपन के अंतर्गत 125.89 मिलेगा। LD क्लास के अंतर्गत अगर आपकी कैटेगरी SC है तो ओपन के लिए कट ऑफ 127.1 था, ठीक है। अगर आप LD के अंतर्गत यहाँ पर ST समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आपको 130.39 कट ऑफ देखने को मिला, वहीं OBC ओपन इसमें देखें तो 133 यहाँ देखने को मिला। अब यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट जो हिंदी वाले भाई बहन होंगे उनकी पोस्ट कोड नंबर 003, MP स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल, इसके अंतर्गत अगर आपकी क्लास X तो UR जर्नल के लिए जो कट ऑफ देखने को मिला ओपन में देखने को मिला है 157.5, तो यहाँ पर अच्छा खासा कट ऑफ रहता है इस कैटेगरी के अंतर्गत जो कि जर्नल है ना। जर्नल को का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता, इसमें सभी लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ST के लिए भाई देखिए आप 121.34 ओपन में, ठीक है। OBC ओपन आप देखेंगे कि यहाँ पर 153.77 है और EWS के लिए देखने को मिलेगा 154.54.09 EWS। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो जारी किया गया था ये MPESB के द्वारा ही जारी किया गया, क्या था, सेक्शन वाइज कट ऑफ था जो विभिन्न कैटेगरी और विभिन्न क्लास के अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया था, वहीं की उसी की वेबसाइट MPESB से उठाया गया पूरा एकदम तथ्यपरक डाटा है, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट अगर आप इंग्लिश में हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे UR ओपन 160, तो यहाँ भी कट ऑफ अच्छा खासा था आपको देखने को मिलेगा। अगर आप OBC से रिलेट करते हैं तो 150.7, ठीक है। टाइपिस्ट हिंदी से रिलेटेड हैं, जी कोड अगली वैकेंसी है ये स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जिसका कोड 005 है, इसके अंतर्गत UR है ओपन तो 171, कट ऑफ देख रहे हैं आप 200 में से 171, क्योंकि पोस्ट बहुत कम थी, एक रीजन ये भी था। टाइपिस्ट हिंदी देखेंगे आप तो ST कैटेगरी में भी वैकेंसी आई थी इसमें 149, तो देख सकते हैं आप ST के भाई बंधुओं को यहाँ पर 149 तक इसमें था क्योंकि पोस्ट ही बहुत कम थी, इसका एक मेन रीजन ये भी था। OBC के जो टाइपिस्ट हिंदी वाले भाई बहन है यहाँ पर देखें आप 162, क्योंकि ओपन है तो इसलिए मैं भाई बहन दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, आप देखेंगे 162.03, ठीक है। ये सब उनके कंट्रोलर्स वगैरह के साइन आप नीचे देख सकते हैं,
ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सहायक सम परीक्षक जो आप 006 देखते हैं, सहायक सम परीक्षक संचालनालय साहित्य निधि संपरीक्षण मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल, इसका कट ऑफ देखिए आप 168.95 था। किस कैटेगरी के अंतर्गत सर? यूआर और ओपन। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सहायक सम परीक्षक एजी थर्ड है ना, कोड वही है, वही वैकेंसी है। यहाँ पे यूआर फीमेल कैंडिडेट्स की बात हुई है, तो 161.1520 में से आपको नंबर चाहिए थे। ठीक है, सेम पोस्ट कोड के अंतर्गत एससी कैटेगरी ओपन आप देखेंगे 161.23। ठीक है, सहायक संपरीक्षक एजी थर्ड सेम पोस्ट कोड है, बस एससी और ये फीमेल कैंडिडेट्स 152.7। ठीक है, सेम आप देखेंगे ओबीसी के ओपन भाई बंधुओं दोनों के लिए 165.87, बट फीमेल कैंडिडेट्स का अगर हम देखें तो ओबीसी के अंतर्गत आप देखेंगे 157.31 कट ऑफ रहा था आउट ऑफ 200। ठीक है, सेम आप देख रहे होंगे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के भाई बंधु है, अगर सहायक संपरीक्षक के लिए ओपन में देखें आप तो 167.39 कितना कट ऑफ गया, क्योंकि वैकेंसी ही बहुत कम थी इसमें, क्योंकि एक साथ वैकेंसी कई पदों पर आई थी, इसलिए आपको उनमें अंदर जाने पर कम कम वैकेंसी दिखेंगी, बाकी ओवरऑल तो ठीक वैकेंसी थी इसमें। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स 157.35। ठीक है, अब आप देखेंगे सहायक संपरीक्षक क्लास चेंज हुई है एस यू आर तो 145, ओबीसी तो यहां देखेंगे 153। नेक्स्ट हम देखें सहायक संपरीक्षक के अंतर्गत जो वीएच क्लास के अंतर्गत आते हैं, वीएच क्लास के अंतर्गत आते हैं, कैटेगरी उनकी जनरल है, तो 146 एलडी यूआर ओपन 156.73। सेम आप देखेंगे यहाँ पे कि अब पोस्ट कोड चेंज हुआ है 007 तो संचालनालय साहित्य हिंदी संपरीक्षण मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल, इसके अंतर्गत आप देखेंगे संविदा कर्मियों के लिए है ये, यहाँ पे देखें आप 152.93 था यूआर क्लास एक्स और ओपन, यहाँ पे देखेंगे आप यूआर फीमेल कैंडिडेट्स 149.149। सेम यहाँ देखेंगे आप एसपी के लिए ओपन तो यहाँ पर 146 आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे सहायक संपरीक्षक एजी वही है, पोस्ट कोड आप देख सकते हैं 007, तो यहाँ पर ओबीसी ओपन 152.72 था। ठीक है, यहाँ पे हम देखें 007 कोड जहाँ पे संविदा कर्मियों हेतु सहायक संपरीक्षक की जो वैकेंसी थी इसकी, इसका कट ऑफ था 149.72। सेम पोस्ट कोड में EWS ओपन आप देखेंगे 147.22। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर आता है, कोड चेंज हो चुका है, यूआर ओपन के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ था 155.1 आउट ऑफ 200। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखेंगे आप यूआर फीमेल कैंडिडेट्स 150.43 और डाटा एंट्री ऑपरेटर एससी कैंडिडेट्स ओपन 140.71 यहाँ पर कट ऑफ था। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप देख रहे होंगे कि अराउंड 150 के पार तो सब में ही जा रहा है लगभग। ठीक है, फिर आप देख रहे होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर एससी फीमेल कैंडिडेट्स 129, एसटी डाटा एंट्री ऑपरेटर 123। अगर हम देखें डाटा एंट्री ऑपरेटर में एसटी भाई बंधुओं के लिए, सॉरी फीमेल है ये, ओपन है ये फीमेल है 133.59। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ ओबीसी ओपन 151.06, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स 145, तो फीमेलों के लिए लगभग 5 नंबर का अंतर हर बार हर जगह देखने को लगभग मिल रहा है। EWS ओपन 154.32 या 154.32, EWS फीमेल कैंडिडेट्स में देखिए अगेन लगभग आप इसमें बड़ा अंतर देखेंगे, लगभग 10 नंबर का अंतर। UR के अंतर्गत आप देखेंगे तो वैकेंसी नहीं थी, SC और ST के लिए भी वैकेंसी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आपको कट ऑफ 000 दिख रहा होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो ओबीसी आप देख रहे हैं ओबीसी कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर क्लास चेंज हुई है, ध्यान दीजिएगा ओपन यहाँ पर आपको 00 दिखेगा क्योंकि भर्ती उसमें नहीं की गई है। यहाँ पे अगर हम देखें डाटा एंट्री ऑपरेटर ईएच क्लास के अंतर्गत यूआर ओपन आप देखेंगे 121 हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडी यूआर ओपन 133.5। इसी प्रकार से आप डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा कर्मियों के लिए जिसका पोस्ट कोड हो चुका है 009, यूआर ओपन 150, तो लगभग आप देखेंगे हर जगह कि यूआर का जो या फिर जनरल का अनरिजर्व जिनको कहा जाता है लगभग 150 के पार ही दिखेगा आपको। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आप इसमें बड़ा डिफरेंस देख रहे होंगे कि 135 से मतलब 15 नंबर का लगभग अंतर मिल रहा है।
यहाँ पे आप देखेंगे क्लास एक्स और कैटेगरी एस सी 139.12, यहाँ पे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा कर्मी देख रहे हैं, तो ये एस टी कैंडिडेट्स के लिए 122.89 कट ऑफ गया था। फिर आप यही इसी प्रकार 009 देखेंगे तो क्लास एक्स एस टी फीमेल कैंडिडेट्स 110, ओबीसी के लिए यहाँ देखेंगे आप 149.07, ठीक है, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स का देखेंगे 145, लगभग 5 का अंतर। ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे आप 140, सेम यूआर, यहाँ पर पोस्ट कोड चेंज हुआ है, रिसेप्शनिस्ट के लिए है ये वैकेंसी, इसका 153.17 देखने को मिला। अगेन देखें हम एसटी के लिए, एससी के लिए तो 146, मतलब कट ऑफ अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे। ओबीसी के लिए आप देखेंगे 152.66 देख रहे होंगे। यूआर के लिए जो पोस्ट कोड चेंज हुआ कैटलॉगर के अंतर्गत 165.86, तो आप देख सकते हैं यूआर का 165.86 कट ऑफ गया है इसमें। फिर आप देख रहे होंगे कि कैटलॉगर यू आर ओपन 165 ये देख चुके हैं हम, यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन यू आर 162 गया है, पोस्ट कोड चेंज हो चुका है, कैटलॉगर्स है ना दूसरे विभाग के अंतर्गत यू आर और 160.14। निरीक्षक की बात करें हम, पोस्ट कोड फिर चेंज हुआ है यू आर 169.39। ऑडिटर के लिए पोस्ट कोड फिर चेंज हुआ है, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ वैकेंसी थी जिसमें 163.16 गया, ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन था जो 168.6। फिर आता है पोस्ट कोड फिर चेंज होता है, ठीक है, तो अनुवादिक संविदा देखेंगे आप यू आर और 168.1 पर मार्क्स यहाँ पर गया है इसका कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर फिर से अगर हम देखें तो एस टी कैंडिडेट्स के लिए ओपन 159.28, फिर से वही पोस्ट है, एस टी के लिए ओपन 149.96, ठीक है, ओबीसी फीमेल के लिए 162.09 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 161.18 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये सारा कट ऑफ था जो कि ग्रुप टू और ग्रुप फोर का रहा। तो एक ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहा है, ओपन वालों के लिए, भाई बंधुओं के लिए जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो वो 160 के पार तो रहे हैं, 171 तक कुछ पोस्ट में कट ऑफ गया है। फीमेल कैंडिडेट्स में अगर एक हम औसतन बात करें तो लगभग 10 से 5 नंबर इस प्रकार से अंतर देखने को मिला है। एससी कैंडिडेट्स के अंतर्गत आपको 15 नंबर के अराउंड जो जनरल और एससी कैंडिडेट्स में 15 या 20 नंबर तक कुछ पोस्ट में गया है। ओबीसी के लिए लगभग 10 नंबर का अंतर देखने को मिला है और जो ईडब्ल्यूएस है उनमें 5 से 7 नंबर का अंतर देखने को मिला है जनरल में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो फीमेल्स कैंडिडेट्स को थोड़ा सा यहाँ बेनिफिट देखने को मिला है, कुछ पोस्ट में 5, कुछ में 10, कुछ में 15 तक का अंतर हमने अभी देखा है, ठीक है। तो एक हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें, इस ओवरऑल जितनी पोस्ट कंबाइंड पोस्ट आई थी उसमें 171 के अराउंड तक तो छुआ है कट ऑफ, मतलब एक बेहतर और सुव्यवस्थित और रणनीति के हिसाब से आपको तैयारी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये एग्जाम जब आता है तो जैसे ही नोटिफिकेशन डलेगा मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, और थोड़ा जब सेपरेट होता है ये वाला एग्जाम तो थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है मैथ्स वगैरह का, आपने देखा होगा है ना, तो इसलिए लेबर इंस्पेक्टर वगैरह और ये सब कंबाइंड वैकेंसीज रहती है जो जनसंपर्क अधिकारी या फिर सहायक संपरीक्षक अधिकारी के तौर पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही कई अन्य पोस्ट भी है जिनके कट ऑफ उनकी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग हैं। तो दोस्तों हम इसी प्रकार से सारी जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे और आप बिल्कुल जाग जाइए, क्योंकि इसको टेंटेटिव कैलेंडर में रखा गया है, टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट ये एग्जाम कैलेंडर में डला है और ये इसका एक इतिहास भी रहा है कि हर 1 से 1.5 साल 2 साल में इसकी वैकेंसी निरंतर आई है ग्रुप टू ग्रुप फोर जो कि एक कंबाइंड भर्तियां कराता है। तो शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। आप सभी को कैसी लगी जानकारी, सभी लोग लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, हम एक नई जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। मैं विकास शुक्ला आपका शुक्रिया धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।